नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। रुक करते हैं मुख्य खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों की सीट घोषणा होने के बाद अंबिकापुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी टीएस सिंहदेव देर शाम अंबिकापुर पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और बधाई दी। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर गुप्ता ने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की, देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ने पहली सूची जारी कर दी है। पहले सूची में पहला नाम टीएस सिंहदेव का, जो अंबिकापुर से विधायक हैं, वो हमारे साथ हैं। पहली सूची में पहला नाम आपका, वो जिस क्रम से निकला तो वो संजोग से पहला नाम था, 10 नंबर से ही चालू होना था। अंबिकापुर में आप पहुंचे हैं नाम आने के बाद, कैसा लगा? भव्य स्वागत जी। ये बहुत पुराने हम लोग साथी हैं और मेरा नाम अगर वो गया है तो समझिए कि आप एक आवरण ही है। इन लोग हैं जिनकी स्वीकृति हुई है, इनकी राय है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की राय है, जिला कांग्रेस कमेटी की राय है और इनकी राय को हाई कमांड ने माना है। हम लोग का मात्र नाम है। बीजेपी ने अभी तक अपनी सूची जारी नहीं की है, क्या लगता है कितना मजबूत है सरगुजा में? मेरा ध्यान कभी दूसरे घर की तरफ नहीं रहता, अपने घर को देखना है, लोगों के बीच में जाना है, अपना काम करना है, दूसरे क्या कर रहे हैं समय उसमें जाहिर नहीं। हर पक्ष में चुनौती रहती है, हर खेल में चुनौती रहती है, कोई भी टीम कमज़ोर नहीं होती। ये जो चुनाव है, चुनाव का महज आपका नाम भी घोषित हो गया, बीजेपी ने अभी तक घोषित नहीं किया नाम, क्या आपका इंतजार कहीं बीजेपी तो नहीं कर रही थी आपका नाम आया उसके बाद जारी करेंगे? इसके पहले बात ये हो रही थी कि उन्होंने 85 नाम घोषित कर दिए हैं, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये समय और परिस्थिति है, सनातन की बात करने वाले वो पितृपक्ष में भी सूची जारी कर रहे थे। कांग्रेस पक्ष ने सनातन धर्म की व्यवस्थाएँ जो मान्यताएँ हैं उनका आदर करते हुए वो इंतज़ार किया, पितृपक्ष जैसे ही समाप्त हुआ आज सूची आपके सामने आ गई। दूसरी सूची की बात करूँ तो कब तक सूची आ जाएगी? 17 को एक और बैठक होगी दिल्ली में, तो मेरे ख्याल से उसके बाद में 18 को आ जानी चाहिए। 17 की शाम को भी आ सकती है या 18 को भी आ सकती है। धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे साथ जो टीएस सिंहदेव ने पहले बार टिकट मिलने के बाद यहाँ अंबिकापुर आया था, अंबिकापुर आने के बाद इनका भव्य स्वागत किया गया। जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो उनका रास्ते में लगातार स्वागत करते आ रहे हैं। अंबिकापुर से चंद्रशेखर गुप्ता की रिपोर्ट।